हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको गोरा होने का घरेलू उपाय बताने आ रहा हूँ। दोस्तों, इस उपाय की मदद से आप अपने चेहरे के रंग को गोरा कर सकते हैं, आप अपने चेहरे के दाग धब्बे काले निशानों को दूर कर सकते हैं। यह नुस्खा काफी तेजी से आपके चेहरे को काफी ग्लोइंग और चमकदार बना देगा। दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक खाली बाउल की। आपको यहाँ पर एक खाली बाउल लेना है और इस खाली बाउल में आपको सबसे पहले जो चीज लेनी है वो दोस्तों नारियल का तेल। दोस्तों, आपको यहाँ पर नारियल का तेल लेना है। आप किसी भी कंपनी का कोई सा भी नारियल का तेल ले सकते हैं। आपको इसमें 2 चम्मच नारियल के तेल के ऐड करने होंगे। नारियल के तेल को दोस्तों आपको पिलगा लेना है, जिस तरीके से मैंने इसे पिलगा के तैयार करा हुआ है, इसी तरीके से आपको इसे पिलगा के तैयार कर लेना है। दोस्तों, नारियल के तेल में काफी मात्रा में फैटी एसिड के साथ साथ इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। अगर आपकी भी ड्राई स्किन है तो ये चेहरे के लिए काफी कमाल की चीज है। नारियल का तेल अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से सुंदरता को खराब करने वाले एक्ने आपसे दूरी बनाए रखते हैं। यह आपके चेहरे के सीबम को मेंटेन रखता है। इसके बाद दोस्तों, आपको अगली चीज जो लेनी है वह दोस्तों टमाटर। आपको एक आधा कटा हुआ टमाटर लेना है और टमाटर का इसमें पूरा रस जो आपको निकाल लेना है इस तरीके से। टमाटर भी दोस्तों हमारे चेहरे के लिए काफी अच्छा होता है। दोस्तों, ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को काफी तेजी से दूर करता है, साथ ही हमारी स्किन को काफी सुंदर बनाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको आधे कटे हुए टमाटर का रस इसमें ऐड कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों अगली चीज जो आपको लेनी है वो दोस्तों आधा कटा हुआ नींबू। आपको आधा कटा हुआ नींबू का इसमें पूरा रस जो है निचोड़ लेना है। दोस्तों, नींबू हमारे त्वचा पर ब्लीचिंग की तरह काम करता है। ये हमारी त्वचा से जितनी भी मैल होती है, गंदगी होती है, सबको बाहर निकाल देता है और हमारी त्वचा के अंदर तक जाकर हमारी त्वचा को गोरा बनाता है। अब आपको यहाँ पर लेना दोस्तों हल्दी पाउडर। आपको इसमें जरा सा हल्दी पाउडर ऐड करना। दोस्तों ध्यान से देखिए, सिर्फ इतना सा आपको इसमें हल्दी का पाउडर लेना है। दोस्तों, हल्दी पाउडर काफी सदियों से इसका उपटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हल्दी हमारी त्वचा के रंग को साफ करती है। हल्दी हमारी त्वचा पर मैल सॉरी हल्दी हमारी त्वचा पर दाग धब्बे और काले निशान और झाइयों को काफी तेजी से दूर करती है। तो दोस्तों, आपको इन सारी चीजों को अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों ये आपका मिक्स होकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं काफी अच्छे से पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, इसे लगाने का तरीका है वो दोस्तों ये है। आप जो है उंगलियों की मदद से इस तरीके से लेकर इस पेस्ट से अपने चेहरे पर हल्के हाथों से इसकी मसाज करें। कम से कम आपको 2 मिनट तक अपने चेहरे की हल्के हाथों से मसाज करनी है। दोस्तों, इस तरीके से मसाज करने के बाद दोस्तों आपको इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ देना है। 5 मिनट बाद आप इसे सादा पानी से धोकर साफ कर लें। दोस्तों, इस उपाय को आप रेगुलर 4-5 दिन तक करें। 4-5 दिन तक करने से आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे थे, काले निशान थे, हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और आपका चेहरा पहले से काफी गोरा, चमकदार और सुंदर दिखने लगेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा कुछ ऐसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।